तेरा पीछे तक काट ला लो नमस्कार एक घटना घटित हुई है, ये कैश वैन लूट की घटना है और इसमें जो एक मारुति वैन है ये इसमें कैश ले जा रहे थे रिलायंस पेट्रोल पंप और टोल से इन्होंने कुछ पैसा कलेक्ट किया था। ये इनका कहना है जो इसमें सीएमएस कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जिसके कर्मचारी हैं और ड्राइवर है, मात्र इसमें दो कर्मचारी हैं, एक ड्राइवर और एक सीएमएस कंपनी का कर्मचारी, ये कैश लेके जा रहे थे। इनका कहना था कि हम बैंक में इसको जमा करने जा रहे हैं और इसमें कुछ बदमाशों ने इनको ओवरटेक करके रोका और ये कैश जो था उसको लेकर भाग गए हैं। इस संबंध में पूरी जांच पड़ताल गहनता से की जा रही है और शीघ्र ही पूरी घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। ये अभी प्राथमिक स्थिति है, यद्यपि ये बात क्लियर है कि जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसका इस कंपनी द्वारा कोई पालन नहीं किया जा रहा था, कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे इसके साथ में, सुरक्षा के सम्यक उपाय नहीं थे, लेकिन जो भी स्थिति है और अभी इसमें पड़ताल की जा रही है और इसमें रकम अभी कैलकुलेट की जाएगी, लेकिन लगभग 1.5 करोड़ के आसपास की रकम अभी जो बात प्रकाश में आई है उसके अनुरूप। ये हाटा कोतवाली क्षेत्र के बकराबाद चौराहा है ये और ये कप्तानगंज से हाटा जाने वाला मुख्य मार्ग है। ये हाईवे में स्टेट हाईवे में है ये और इसी रोड पर दिन दहाड़े ये घटना हुई है। करीब एक घंटा पहले 1 बजे के आसपास ये कैश वैन जब इधर से आ रही थी तो बदमाशों में, जैसा कहा जा रहा है, कि बदमाशों ने इस पे गोली चलाई और गोली किसी को लगी तो नहीं है लेकिन कैश वैन में रखा हुआ 1.5 करोड़ रुपया इसपे से लूट कर वो फरार हो गए हैं। पुलिस के आला अधिकारी, जिले के एसपी, गोरखपुर मंडल के आईजी मौके पर पहुंच चुके हैं, सारा पुलिस महकमा छानबीन में लगा हुआ है। अभी बात कुछ संदेह के घेरे में है कि आखिर लूट हुई तो कैसे हुई। सूर्य प्रकाश राय, ईटीवी भारत, कुशीनगर।